भले ही आज हमारे बीच बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय और अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल करने वाले कपूर खानदान के छोटे बेटे शशि कपूर नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी बेजोड़ एक्टिंग हमेशा हमारे बीच रहेगी। उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर 1944 में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर के नाटक शकुंतला से शुरू किया और आगे चलकर भारत के पहले ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें तो शादी के लिए शशि जी को खूब पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि शशि जिस लड़की को अपना दिल दे बैठे थे वो भारतीय नहीं बल्कि विदेशी महिला थी। दरअसल 1997 में शशि जी ने जेफरी कैंडल की टूरिंग नाटक कंपनी को ज्वाइन किया और शेक्सपियर के नाटकों में विभिन्न रोल अदा करने लगे। इस बीच जेफरी कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल से शशि को एक नजर में ही प्यार हो गया, जिसे आप लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि शशि ने इस रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। इस बीच इन दोनों की प्यार के इस राह में कई रोड़े आए, लेकिन अपने सच्चे प्यार के खातिर शशि ने जेनिफर को अपनी पत्नी बना ही लिया। किसी विदेशी महिला से शादी करने वाले शशि कपूर अपने खानदान के पहले लड़के थे और जेनिफर ने कपूर खानदान का एक और ट्रेंड भी तोड़ा। जेनिफर शादी के बाद भी फिल्मों में काम करने वाली कपूर खानदान की पहली बहू बनी।